हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन अकेडमी जुडिशरी। दिस इज़ विश्वानी बंसल। तो हरियाणा एडीए के लिए इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ मिनी बैच, दिस इज़ अ मिनी बैच दैट इज़ गोइंग ऑन योर यूट्यूब। ठीक है, आपको डेली जो है लेक्चर्स किसी ना किसी टॉपिक में मिल जाते हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हरियाणा एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अ बैच दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 9th of March। 3 months का ये बैच है। दिस इज़ ओनली अवेलेबल एट 6500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सिर्फ 6500 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाई यूजिंग दिस कोड दैट इज़ VP Law। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आप इस ऑफर पे जो है इसको अवेल कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स इसमें कंप्लीट होंगे, टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ मी टू अदर एजुकेटर्स विल बी टेकिंग द क्लासेज। सो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है? वेयर दिस एक्ट एक्सटेंड्स, दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ठीक है, J&K स्टेट पे भी अब ये एक्सटेंड करता है, पहले नहीं करता था। सो ये जो एक्ट है ये किस पे अप्लाई करता है? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, इंक्लूडिंग अ वैश्वा लिंगेट फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज। दैट मीन्स कि किस पे अप्लाई करता है ये? किसी भी पर्सन पे जो बुद्धिस्ट है, जैन है या फिर सिख है। ठीक है, तो हिंदू कौन होता है? हिंदू में कौन कौन आता है? बुद्धिस्ट, जैन, सिख। कौन नहीं आता, ये किस पे अप्लाई नहीं करेगा? अगर कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या जू है, ये उस पर जो है अप्लाई नहीं करता है। सो हु इज़ अ हिंदू, कौन हिंदू है? कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इललेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स या तो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन। अगर कोई चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट है या इललेजिटिमेट है, जिसका एक पेरेंट जो है हिंदू है बट उसका ब्रॉटअप अगर एज ए मेम्बर ऑफ द हिंदू हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ हिंदू। तो अगर दोनों में से एक पेरेंट हिंदू है एंड जो बच्चे का ब्रॉटअप है वो भी एज ए हिंदू ही हुआ है, तो वो हिंदू ही होगा। तो एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इललेजिटिमेट है, अगर दैट इज़, अगर वो कन्वर्ट या रीकन्वर्ट है, ठीक है, अगर कन्वर्जन से कोई हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो हिंदू। वो क्या होगा? वो भी हिंदू ही होगा। ये एक्ट जो है ये किस पे अप्लाई नहीं करता है? दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये एक्ट किस पे नहीं अप्लाई करेगा? शेड्यूल ट्राइब के ऊपर नहीं अप्लाई करता है, किसी भी मेंबर की। दैट इज़ डिफाइंड इन क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में डायरेक्शंस दे सकती है। नाउ हु इज मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कस्टम यूसेज? सो कस्टम और यूसेज का मतलब क्या होता है? कि जिसको बहुत लंबे टाइम से जो है यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा है, जो सर्टेन है, अनरीजनेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द कस्टम और यूसेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस में क्या चीज़ें आएंगी? फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई अनमैरिड डॉटर है तो एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज, ठीक है, वो भी मेंटेनेंस में ही आता है। अगर कोई अनमैरिड डॉटर है उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस भी किस में आएंगे? मेंटेनेंस में ही आएंगे। माइनर का मतलब क्या है इस एक्ट के अंडर? जिसने 18 साल की एज को क्या है, कंप्लीट नहीं किया है, दैट इज़ अ माइनर अंडर दिस एक्ट। नाउ कोई भी अडॉप्शन जो है, अडॉप्शन दिस सेज दैट कोई नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू ए हिंदू, कि अगर कोई भी अडॉप्शन करनी है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग करनी होगी। अगर कोई भी अडॉप्शन होती है हिंदूज में, अगर इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन होती है तो वो वॉइड होगी। ठीक है, सो अगर कोई भी अडॉप्शन होगी इस एक्ट के आने के बाद तो वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एनी अडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेट प्रोविजंस शैल बी वॉइड। एक अडॉप्शन जो है विच इज़ वॉइड, अगर कोई अडॉप्शन वॉइड है, वो क्रिएट नहीं करेगी कोई भी राइट्स अडॉप्टिव फैमिली में इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, सो अडॉप्शन जो है वो वैलिड होनी चाहिए। नाउ असेंशियल्स क्या है एक वैलिड अडॉप्शन की, वो हमें सेक्शन 6 बताता है। दिस इज कोई भी अडॉप्शन वैलिड होने के लिए जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए एंड राइट होना चाहिए अडॉप्शन में लेने का।
जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है चाइल्ड को, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए चाइल्ड को अडॉप्शन में देने की। जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। जिस पर्सन को अडॉप्ट किया जा रहा है वो कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन में लेने के लिए। अगर कोई भी अडॉप्शन की जाती है इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस, ठीक है, एनी द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस दैट आर मेंशनड इन दिस चैप्टर। सो जितनी भी अडॉप्शन है वो सारी कंप्लायंस में होनी चाहिए जो भी आपको दिया हुआ है इस जो है एक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। दैट मीन्स कि अगर कोई मेल हिंदू ने अडॉप्शन करनी है जो साउंड माइंड का है, ठीक है, एंड जो माइनर नहीं है उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दैट ही कैन टेक एन अडॉप्शन, वो किसी भी चाइल्ड को जो है अडॉप्ट कर सकता है। बट अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर उसको अडॉप्शन करना है तो वाइफ का उसको कंसेंट लेना होगा। हाँ, देर इज़ एन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू दैट कि अगर वाइफ ने कम्प्लीटली वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, या फिर इफ शी हैज सीज टू बी हिंदू, या फिर दैट इज़ डिक्लेयर, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, देन वो बिना वाइफ की कंसेंट के जो है अडॉप्शन में ले सकता है। अदरवाइज अदरवाइज द कंसेंट ऑफ द वाइफ इज मस्ट। सो वॉट इज योर सेक्शन 7? दिस इज कोई भी मेल हिंदू जो साउंड माइंड का है एंड जो अडल्ट है उसकी कैपेसिटी है कि वो अडॉप्शन कर सकता है। अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कंसेंट लेना होगा वाइफ का, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन गिवन टू दैट। सिमिलरली देर इज़ वन ऑफ अनदर एक्सेप्शन दैट इज गिवन कि कैपेसिटी क्या है एक फीमेल हिंदू की टू टेक इन अडॉप्शन। सो एनी फीमेल हिंदू, सेम कि अगर वो साउंड माइंड की है एंड वो मेजर है दैट इज अडल्ट है, तो वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्शन में ले सकती है। बट अगर उसका हस्बैंड लिविंग है तो उसका कंसेंट उसको लेना होगा। सेम कंडीशंस यहाँ पे हैं कि देर इज़ एन एक्सेप्शन टू दैट कि अगर हस्बैंड ने कम्प्लीटली वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, या फिर उसको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, या फिर इफ़ ही हैज सीज टू बी हिंदू, तो फिर जो है अडॉप्शन नहीं कर सकती वो, ठीक है, देन शी कैन अडॉप्ट विदाउट हिज कंसेंट, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज हु आर वी हैव सीन इन योर सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जो पर्सन को आप अडॉप्ट करें वो कैपेबल होना चाहिए। पर्सन दैट इज़ जो पर्सन अडॉप्शन ले रहा है वो कैपेबल होना चाहिए लेने के लिए। सो ये कहता है कोई भी पर्सन, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन ऑप्शन अडॉप्शन। कि कोई भी पर्सन दैट इज़ कि सिर्फ फादर मदर या गार्जियन ही जो है अडॉप्शन में दे सकता है एक चाइल्ड को। सबसे पहले फादर दे सकता है, फिर मदर, ठीक है, एंड द फादर और द मदर इफ़ अलाइव, अगर दोनों अलाइव हैं तो उनका इक्वल राइट है टू गिव अ सन और द डॉटर इन अडॉप्शन। बट दिस इज दैट जहाँ पे दोनों फादर एंड मदर डेड है एंड कम्प्लीटली या उन्होंने वर्ल्ड अनाउंस कर दिया है, या उन्होंने अबंडन कर दिया है चाइल्ड को, या कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, और वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, तो वहाँ पे गार्जियन के पास कैपेसिटी है, गार्जियन जो है अडॉप्शन में दे सकता है, मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, बट विद द उसको कंसेंट लेना होगा किसका, कोर्ट का, ठीक है, उसको कोर्ट का कंसेंट लेना होगा, ठीक है। सो बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू ए गार्जियन, इससे पहले कि गार्जियन परमिशन ग्रांट करे कि इस चाइल्ड को जो है अडॉप्शन में दिया जा सकता है, कोर्ट सेटिस्फाई करेगी कि जो अडॉप्शन है वो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए है। सो अगर आप इफ वी रीड दैट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उसमें भी हम यही पढ़ते हैं सेक्शन 13 में कि हमेशा कोर्ट जो है चाइल्ड का वेलफेयर देखती है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। सिमिलर इज हेयर ऑल्सो, इससे पहले कि कोर्ट परमिशन दे कि गार्जियन जो है माइनर को अडॉप्शन में दे सकता है, तो कोर्ट यही देखेगी कि क्या जो ये अडॉप्शन है क्या ये चाइल्ड के वेलफेयर के लिए है या फिर नहीं है। न पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बींग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कोई भी पर्सन जो है वो अडॉप्शन में नहीं ले सकता है किसी को, अगर उसको लेना है तो ये कंडीशंस जो हैं फुलफिल होनी चाहिए। सो वी हैव सीन कि कौन अडॉप्शन में दे सकता है, बट नाउ कौन अडॉप्शन ले सकता है। सबसे पहले तो हिंदू होना चाहिए, पहले कोई अडॉप्शन नहीं की होनी चाहिए,
अगर वो मैरिड नहीं है तो कस्टम ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड अनलेस देर इज़ अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। सो जिसको अडॉप्शन में लिया जा रहा है, जिस चाइल्ड को मैरिड नहीं होना चाहिए, हाँ अगर कोई कस्टम या यूसेज अलाउ करता है कि मैरिड पर्सन को जो है अडॉप्शन में लिया जा सकता है, देन दैट इज़ वैलिड, अदरवाइज नॉट। जो चाइल्ड है उसने 15 साल की एज कंप्लीट नहीं की होनी चाहिए। देर इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू दैट कि अगर कोई कस्टम या यूसेज अलाउ करता है, जो परमिट करता है पर्सन को कि जिन्होंने 15 साल की एज को अटेन कर लिया है उसको अडॉप्शन में दिया जा सकता है, देन दैट कैन बी टेकन, अदरवाइज नॉट। देर आर सर्टन अदर कंडीशन दैट आर गिवन फॉर वैलिड अडॉप्शन अंडर यूर सेक्शन 11। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज दैट कि अगर अडॉप्शन सन की है तो अडॉप्टिव फादर या मदर के पास कोई भी उनका खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटी का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सन 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 नहीं होना चाहिए, चाहे वो वेदर वाई लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप या फिर अडॉप्शन के टाइम, उस टाइम वो नहीं होना चाहिए जिस टाइम वो अडॉप्शन ले रहे हैं। सो अगर किसी को सन को अडॉप्ट करना है तो खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। सो दिस इज अ कंडीशन दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 11। सिमिलर इज विद द डॉटर। अगर अडॉप्शन डॉटर की है तो अडॉप्टिव फादर या मदर के पास उस टाइम पे खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए, लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से या अडॉप्शन से, अगर है तो अडॉप्शन नहीं हो सकता। Now there is one another condition that is given here is, this is very important, that is कि अगर किसी मेल को फीमेल अडॉप्ट करनी है, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट सेक्स अगर अडॉप्ट करना है, अगर फीमेल को मेल अडॉप्ट करनी है तो उनके बीच में एज गैप कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। तो इफ़ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, तो अडॉप्टिव फादर इज एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। अगर अडॉप्शन फीमेल की है एंड पर्सन जिसको अडॉप्ट करना है वो मेल है, तो अडॉप्टिव मदर जो है वो 21 ईयर्स ओल्डर होनी चाहिए देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू और मोर पर्सन। एक ही चाइल्ड को दो, या ऐसा नहीं है कि एक ही चाइल्ड को बार बार अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक चाइल्ड को, दिस इज द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली, एक चाइल्ड को एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है अडॉप्ट कर सकता है। What is the effect of adoption? अगर कोई किसी को adopt कर लेता है तो जिस दिन से adoption effect में आती है उस दिन से उसके same rights हो जाएंगे उस family में, adopted family में, जैसे कि एक natural born child के होते हैं। So this says an adoptive child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother with effect from the date of the adoption and from such date till all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be sweet. This says provided that child cannot marry any person whom he or she could not have married if he or she continued in the family of his or her birth. ये कहता है कि अगर suppose ये child है, ठीक है, ये ex family को adopt करता belong करता था, इसको y family को दे दिया, तो जब ये वाइफ फैमिली में चला गया, स्टिल ही कैन नॉट मैरी एनी पर्सन जो वो इस फैमिली में रह के नहीं कर सकता था। एनी प्रॉपर्टी जो अडॉप्टेड चाइल्ड में वेस्ट करती थी बिफोर अडॉप्शन वो कंटिन्यू करेगी टू वेस्ट इन सच पर्सन सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन इफ एनी अटैचिंग टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर पर। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो डाइवेस्ट नहीं करेगा एनी पर्सन को ऑफ एनी स्टेट विच वेस्टेड इन और हिम बिफोर द अडॉप्शन। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिसपोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो दिस इज एक अडॉप्शन जो है डिप्राइव नहीं करती एक अडॉप्टिव फादर या मदर को, उनकी फुल पावर है कि वो जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपनी खुद की मर्जी से। डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर, दिस इज कि जहाँ पे हिंदू जिसकी वाइफ लिविंग है अगर वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो वो अडॉप्टिव मदर होगी। जहाँ पे अडॉप्शन जो है अगर एक से ज़्यादा वाइफ है, जहाँ पे अडॉप्शन की गई है एंड एक से ज़्यादा उस टाइम वाइफ है, तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ है वो अडॉप्टिव मदर होगी, बाकी जो हैं वो स्टेप मदर्स होंगी। अगर किसी बैचलर ने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया है या विडोअर ने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया, सो एनी वाइफ होम ही सब्सिक्वेंटली मैरिज, सपोज ए इज़ द पर्सन, ठीक है, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है,
है, इसने कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया एंड उसके बाद वो शादी कर लेता है, तो वो जो मदर होगी वो स्टेप मदर होगी। सिमिलरली अगर कोई विडो है, ठीक है, सपोज एक्स इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या इसने मैरिज नहीं की, अनमैरिड वुमेन है, तो अगर ये चाइल्ड अडॉप्ट करती है, अगर ये चाइल्ड अडॉप्ट कर लेती है आफ्टर दैट शी मैरिज, तो जिससे भी वो शादी करेगी, तो सपोज देर वॉज अ वाइट चाइल्ड, तो उसका वो स्टेप फादर होगा। वैलिड अडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता, अडॉप्टिव फादर और मदर उसको कैंसिल करके जो है उसको फैमिली ऑफिस और हर बर्थ के पास जो है नहीं छोड़ सकते। तो फर्दर इज सेक्शन 16 सेज दैट व्हाट इज द प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन। तो वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इनफोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, जब वो किसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, परपर्टिंग टू रिकॉर्ड एन अडॉप्शन मेड एंड इज साइंड बाय द पर्सन। तो अगर कोई अडॉप्शन है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है एज अ रिकॉर्ड एंड उस पर साइन है, ठीक है, जो पर्सन दे रहा है अडॉप्शन में एंड जो पर्सन ले रहा है, तो कोर्ट यही प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा कि हाँ जो ये अडॉप्शन हुई है इसमें कंप्लायंस हुई है सारी प्रोविजंस के साथ जो इस एक्ट में लिखी हुई है, अनलेस एंड अंटिल दैट इज डिसप्रूव, दैट मीन्स दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सो अगर सपोज एक्स का चाइल्ड की अडॉप्शन हुई एंड ये रजिस्टर हुई एंड इसको जो है कल को कोई केस चला, कोर्ट में दिया गया, ठीक है, कोर्ट में ये प्रूफ दिया गया, सो उस पर साइन थे जिस पर्सन ने लिया या जिस पर्सन ने अडॉप्शन में दिया, सो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि अडॉप्शन हैज़ बीन मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फर्दर दिस सेज दैट कि कोई भी पर्सन जो अडॉप्शन दे रहा है, ठीक है, अगर कोई फैमिली अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को दे रही है, जो ले रहा है वो कोई भी पैसे नहीं ले सकता इस चीज़ के। सो नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड, जो कि प्रोहिबिट करता है ये सेक्शन। अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है इन प्रोविजन्स के साथ, इफ एनी वन कॉन्ट्रावीन्स, ठीक है, अगर वो सपोज एक्स है, ठीक है, इसने देयर इज अ चाइल्ड ए, ये अडॉप्शन में ई चाइल्ड को दे रहा है एंड इसके बदले ये मनी रिसीव कर रहा है, सो दिस इज कि ये प्रोहिबिटेड है। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसके लिए 6 महीने की सजा है, फाइन है और या फिर दोनों चीज़ें हैं। दिस इज नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन, कोई भी इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 17 के अंदर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो सेंक्शन लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी ऑफिसर का जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है इस चीज़ के लिए। सो वी हैव डन रिगार्डिंग द प्रोविजंस की एक अडॉप्शन कैसे ली जा सकती है, क्या असेंशियल्स हैं, कौन ले सकता है, ठीक है, कौन अडॉप्शन में दे सकता है, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज कि अगर कोई भी कॉन्ट्रा अडॉप्शन होती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑल द प्रोविजंस दैट वी हैव स्टार्टेड, तो उसके लिए आपको सेक्शन दिया हुआ है कि सेक्शन 5 में कि वॉइड होगी। सो इन आर नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी योर दैट इज वी विल रिवाइज अनदर एक्ट ऑफ हिंदू लॉ दैट इज माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, दिस इज अ स्पेशल बैच फॉर द प्रिपरेशन, यू कैन जस्ट जॉइन दिस बैच लर्नर्स बाई यूजिंग दिस कोड, यू कैन अवेल दिस ओनली एट 6500 रुपीज़, ये सिर्फ आपको 6500 रुपीज़ पे अवेलेबल है। लिंक एंड डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, स्पेशल फ्री क्लासेस में आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर ओनली।